गाइस रात का वक्त हुआ है और फिलहाल हम लोगों को फाइनली होटल मिल गया और होटल मिलते ही हम लोग टेरेस पे आ गए क्योंकि यहाँ पर आए हम लोग ऊपर का नज़ारा देखने के लिए। और जैनेट और अहम देखो यहाँ पर है तो मैं आपको शहर का नज़ारा दिखाता हूँ। हम फिलहाल हैं हरिद्वार में और ये देखिए एक्चुअली रात को अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिन में ही दिखेगा। एनीवेज फिलहाल सो गाइस फाइनली आज का दिन हुआ समाप्त और क्योंकि अभी खाना वाना आ जाएगा उसके बाद खाना खाएंगे। व्लॉग तो अपना टाइम पे आ ही गया है और कल क्या करने वाले हैं ये अभी तक कुछ भी प्लान नहीं है क्योंकि आज पूरी थकान उतारेंगे और उसके बाद ही कल का दिन प्लान करेंगे। तो आज का दिन कुल मिला के रहा बहुत अच्छा, ज़्यादातर सफ़र में कट गया और एट द एंड अच्छा होटल मिल गया तो दिन अच्छा हो गया। सो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और अगर हे गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। गाइज दिन की शुरुआत हो गई और फिलहाल हम लोगों ने जिस होटल में कल चेक इन किया था तो अभी उससे चेकआउट करने का वक्त आया क्योंकि वी डिड नॉट लाइक द होटल एट ऑल बिकॉज स्पेशली द स्टाफ एंड जो भी यहाँ का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को पता नहीं लेकिन एट द एंड तो हम लोग स्टाफ से डील करते हैं। वो कितना अच्छा वो भी नहीं पता। हाँ तो होटल अच्छा मिलना हो तो एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। सो गाइस चाय हमारी आ गई है बर्गर किंग से और देखो पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना, मेरा दिल कर गया आपको दिखाने का। ये देखो इस तरह के बॉक्स हैं और बॉक्स के अंदर जो है चाय होती है। हाँ मतलब एटलीस्ट आपको हाइजीन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजुअली जब भी हम ट्रैवल पे होते हैं सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हाइजीन एक मेजर इशू होता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और अगर वैसे तो इधर उधर से भी खाते रहते हैं हम लोग क्योंकि लोकल फूड टेस्ट करना भी बहुत कंपलसरी होता है क्योंकि बाहर आए और बाहर का खाना ना खाएं तो कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ अगर ज़रा सा भी डाउट होता है तो हम लोग रिस्क नहीं लेते और जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ से तो जाना कंफर्म है क्योंकि इन लोगों ने क्या किया ना, हमारी दो दिन की बुकिंग ले ली और बाद में सुबह होते ही बोलने लगे क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर अलग 16 लोगों की एक साथ बल्क बुकिंग आ रही है तो इट इज़ नॉट गुड ना कि अगर आपकी ज़्यादा लोगों की बुकिंग आ रही है तो ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं तो उनको आप प्रेफरेंस ना दें। तो फिर हम लोगों ने तो खैर हम चाहते तो आर्ग्यू भी कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया नहीं कि हम लोगों को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमें कल से ही इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था होटल। वैसे तो अच्छा है लेकिन स्टाफ नहीं स्पेशली अच्छा लगा, प्रॉपर्टी तो अच्छी है अनडाउटली लेकिन हाँ स्टाफ अच्छा नहीं, बिल्कुल भी स्टाफ है ही नहीं एक्चुअली, कोई भी सीरियस या फिर मैच्योर स्टाफ नहीं, सारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं आपको ऐसा लगेगा और बच्चों में इनमें सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। और तो बस हम लोग चाय वाय पी लेते हैं और रेटिंग वगैरह तो हम लोग डालते ही रहते हैं, जो भी रियल रेटिंग होती है जो हमें पसंद आया उसको 5 स्टार, जिसको नहीं पसंद आया उसको उसके हिसाब से स्टार ही नहीं, हाँ उसके उसकी सर्विस के हिसाब से। सो हम लोग इस मामले में कोई फाइनली चेक कर लेते, कुछ रह तो नहीं गया, आखिरी मोमेंट तक निकलते रहते हैं ना तो दिमाग में ही चलता रहता है कुछ रहना गया हो तो फिलहाल तो फटाफट निकलते हैं। और देखो लिफ्ट भी नहीं चल रही है जिनकी, हमें 3 फ्लोर से नीचे उतर के जाना पड़ेगा। पैथेटिक सर्विस एंड होटल, प्रॉपर्टी इज गुड अनडाउटली बट स्टाफ इज वर्स्ट। सो अभी फटाफट और चलते हैं, एवरी टाइम हमें यही लगता रहता है कुछ रहना गया हो। सो 3-4 बार मल्टीपल टाइम चेक करने के बाद भी डाउट जाता नहीं तो फटाफट नीचे चलते हैं, लगेज ज़्यादा ना हो तो कोई टेंशन नहीं रहती। चलो भाई अरे खराब है बेटा ये, चलो क्या कर रहा हूँ ऐसे तो मैं देख रहा हूँ। चलो हाँ सुबह जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग रोड से जा ही रहे थे तो एक होटल मुझे दिखा, काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ, हम लोग देख रहे थे। सो फाइनली हम दूसरे रूम में आ गए हैं और आपको छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। ये देखो यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, ये है हमारा सुबह शाम का वक्त और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए और अभी जाएंगे। फाइनली शाम के वक्त में हम लोग निकल पड़े हैं मंगला जा रहे हैं घर की पैड़ी, वहाँ पर स्नान वगैरह भी करेंगे। नहाने जाना है तुम, नहाओगे
ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंगला आरती के लिए, और देखो बाजू से ट्रेन गुजर रही है कितने पास से, और मार्केट में हम लोग हैं अभी। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि कोई भी ई रिक्शा वगैरह अलाउड नहीं है कई जगह पर, तो सारे लोग नहीं जाते हैं, फटाफट पहुँच जाते हैं हम लोग। सो फाइनली हम लोग घाट पे आ गए हैं और यहीं पर होने वाली मंगला आरती। ये देखिए लोग, कुछ लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद मंगला आरती में जाते हैं, तो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग भी देख रहे हैं एग्जैक्टली किस लोकेशन पे होने वाली मंगला आरती। एक रास्ता मेरा, इस बार हम नीलकंठ नहीं जा पाए। चप्पलें क्यों उतार रहे हैं फिर हम काम का? देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, और ये डेली महाआरती को रिसीव करने के लिए लोग आते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और फटाफट निकलते हैं हम लोग, जाएंगे अभी स्नान करने के लिए। तो जैन आहान दे आर वेरी एक्साइटेड कि गंगा में स्नान करें, और आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो फटाफट चलते हैं गंगा घाट पे स्नान करने के लिए, और अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए नज़ारा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इधर से आ जा, वहाँ बहुत भीड़ है। Janet So guys, गंगा स्नान करके हम लोग साइड में बैठे हुए हैं। सो जैनेट और आहान देखो खूब मजे करें गंगा जी में, और हम हैं फिलहाल हर की पैड़ी पे। नजारा देखिए आप, एक बार आखिरी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। और आज के तो बहुत ज़बरदस्त दर्शन रहे गंगा माँ की आरती के, आप भी इस चीज़। सुरेश ये है यहाँ का फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट, काफ़ी साल पुराना है और बहुत ही फेमस माना जाता है यहाँ। तो ये हम लोग यहाँ की मार्केट में घूम रहे हैं अभी फ़िलहाल, अभी इसके बाद खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन आपको यहाँ की मार्केट दिखा देते हैं। तो देखो ये केन वगैरह तो यहाँ पर काफ़ी मिलती हैं जल भरने के लिए। सो आहान के लिए देखो कपड़े खरीदे जा रहे हैं। आहान कैसे लग रहे हैं कपड़े? फूड हमारा आ गया है, और उनको हम लोगों ने दिया पिज्ज़ा, और हम लोग खा रहे हैं लच्छा पराठा।
अरे तेरे से नहीं खुलेगा छोड़। सो गाइस हम लोग आए हैं गंगा घाट पे। देखिए ये है गंगा जी का प्राचीन घाट जहाँ पर आरती हो रही थी, तो श्री गंगा मंदिर प्राचीन, तो यही है एक्चुअल आरती जहाँ पर हो रही थी, वही जगह आपको दिखा देता हूँ मैं। सो काफ़ी रात होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हुई है और हम लोग तो भी फिलहाल यहाँ से जाएंगे। चलें, आ ना जा।